आपने कभी सोचा कि आप पबजी मोबाइल खेल खेल के भी पैसे कमा कर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो? आज इंडिया में थाउजेंड ऑफ स्ट्रीमर्स है जो आपको हर गेम की प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप आज से स्ट्रीम स्टार्ट करोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा अंटिल एंड अनलेस आप एक फेमस सेलिब्रिटी ना बन जाओ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर आपने मेहनत कर करके उस मुकाम को हासिल कर लिया तो भाई सोचो कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पे। तो बिना किसी भेदभाव के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है एकदम मजेदार, जिसमें आज हम देखने वाले इंडिया के मोस्ट रिचेस्ट स्ट्रीमर्स। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको एक अच्छा यूट्यूबर या फिर एक स्ट्रीमर बनने में मदद कर सकता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं गरीबों के बारे में। तो ये कितने गरीब है ये आपको आगे देखने के बाद ही पता लगेगा। तो भाई लोग, इनका असली नाम है कुणाल शरफ और इनका जन्म 1998 में हुआ था और इनका एज है अभी 21। अगर आप इनके एजुकेशन के बारे में जानना चाहते तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो भाई लोग, अब इनके दो चैनल है गरीब, जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं और वो वहां पर रोस्टिंग और कॉमेडी की वीडियोस बनाते हैं। और उनका दूसरा चैनल भी है गरीबो, उस चैनल पे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो रखे हैं, जिसमें वो गेमिंग और स्ट्रीमिंग की वीडियो डालते हैं। अब दो चैनल बनाकर इतनी मेहनत करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कमाता कितना होगा। तो गाइस अगर हम पहले चैनल यानी कि गरीब के बारे में बात करें तो इन्होंने अपलोड बहुत ही कम कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी खासी रेवेन्यू जो है उस चैनल से जनरेट हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मंथ उनको कुछ $472 यानी कि अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो कुछ 30,000 के आसपास उन्हें उस चैनल से मिल जाती है। तो गाइस इसके बाद हम अगर बात करें उनके दूसरे चैनल यानी गरीबों के बारे में तो उन्हें उससे भी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है, अराउंड $400 जो कि 30,000 के आसपास है पर मंथ, और ऊपर से रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप ये सब अलग, तो आराम से यार वो पर मंथ 1 लाख तक अर्न कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इंद्रप्रीत के बारे में, जिन्होंने एनवीडिया को एक नया ग्राफिक कार्ड का नाम दिया GTX प्रीत। तो गाइस इनका यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेस था जब इन्होंने स्टार्ट किया। कुछ महीने ऐसे भी गए जिसमें इनके लाइव स्ट्रीम में बहुत कम यानी कि व्यूज ही नहीं आने के, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उनका चैनल बढ़ता गया और लोग उन्हें पसंद करने लगे। और फिर आगे जाके उन्होंने कैरी मिनाटी, गनशॉट, ये सब बड़ी यूट्यूबर्स के साथ कोलैब किया और फाइनली आज उनका चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस्ड है। तो भाइयों जानने की बात ये है कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने के बाद ये कमाते कितना होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पर मंथ उनके जो व्यूज है वो अराउंड 5 मिलियन to 10 मिलियन तक क्रॉस कर जाती है, जिनसे आराम से उन्हें $2,400 तक मिल जाते हैं। अगर आप ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट लाइक 1,50,000 तक पर मंथ उनको जनरेट हो जाता है, और ऊपर से स्पॉन्सरशिप्स और डोनेशंस अलग। तो गाइस अब बढ़ते हैं लाइव इंसान की तरफ, एके ट्रिगर्ड इंसान, जिनका नाम निश्चय मलन है, जो कि जाने जाते हैं उनकी कमेंट्री और उनके रोस्टिंग वीडियोस के लिए। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की है और ये न्यू दिल्ली में रहते हैं। अब इनके भी दो चैनल है, ट्रिगर्ड इंसान और लाइव इंसान। तो पहले चैनल में ये रोस्ट करते हैं और दूसरे चैनल में गेमिंग और कभी कभार लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी की। अब इनके पहले चैनल के बारे में अगर हम बात करें यानी ट्रिगर्ड इंसान में, तो लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो रखे हैं और दूसरे चैनल यानी गेमिंग वाले में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो अगर हम इनके अर्निंग के बारे में बात करें तो पहला चैनल यानी ट्रिगर्ड इंसान में वो हर मंथ 15 to 20 मिलियन व्यूज तक क्रॉस कर जाते हैं, जिनसे आराम से वो $4,400 तक अर्न कर लेते हैं। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट लाइक 3 लाख तक पर मंथ वो अर्न कर लेते हैं। अब बात करते हैं उनके दूसरे चैनल यानी लाइव इंसान में, जिसमें हर मंथ वो ऑलमोस्ट लाइक 10 मिलियन व्यूज तक क्रॉस कर जाते हैं, जिनसे आराम से वो $2,700 तक अर्न कर लेते हैं। अगर आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 लाख तक हो जाता है। अब दोनों चैनल की अगर हम बात करें तो वो पर मंथ 4,50,000 तक अर्न कर लेते हैं। तो भाइयों अब आगे बढ़ते हैं रॉनी गेम्स की तरफ। तो इनका रियल नेम है रॉनी दास गुप्ता और ये 24 साल के एक यूट्यूबर हैं और ये मुंबई के रहने वाले हैं। अब इनके भी दो चैनल्स हैं, एक रॉनी शो जिसमें वो रोस्ट करते हैं और उसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं, और दूसरा रॉनी गेम्स जिसमें वो लाइव स्ट्रीम करते हैं और उसमें भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब अगर इनके अर्निंग के बारे में बात करें तो पहला चैनल यानी रॉनी शो, जिसमें हर मंथ उन्हें 3 to 4 लाख तक व्यूज चले जाते हैं और इजीली वो $900 तक उसमें से जनरेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट लाइक 60,000 तक वो पर मंथ अर्न कर लेते हैं उस चैनल से। अब उनके दूसरे चैनल रॉनी गेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनके इजीली 15 टू 20 मिलियंस तक व्यूज क्रॉस कर जाते हैं, जिनसे वो इजीली $3,800 तक उसमें से अर्न कर लेते हैं। तो अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट लाइक 2,50,000 तक वो पर मंथ अर्न कर लेते हैं उस चैनल से। अब अगर हम दोनों चैनल को मिला के बात करें तो वो पर मंथ इजीली अराउंड 3 लाख तक कमा लेते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं चेतन चंदगुड़े के बारे में, जो पुणे में रहते हैं और जो 22 साल के यूट्यूब स्ट्रीमर है। तो पहले ये एमुलेटर में पबजी मोबाइल खेला करते थे, लेकिन अब जब PMSE टूर्नामेंट की तरफ से उन्हें ऑफर आया खेलने के लिए, तब से इन्होंने मोबाइल में पबजी खेलना शुरू कर दिया, जिनसे इनके फॉलोअर्स और भी बढ़ने लगे और इनके चैनल में ऑलमोस्ट 1.50 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर हम इनके अर्निंग के बारे में बात करें तो इनके चैनल में पर मंथ 5 मिलियन टू 10 मिलियन व्यूज इजीली चले जाते हैं, जिनसे वो $1,300 तक इजीली जनरेट कर देते हैं, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो ऑलमोस्ट लाइक वो 1 लाख पर मंथ कमा लेते हैं।
है। अब आगे बढ़ते हैं रॉन गेमिंग की तरफ, जिनका नाम है रौनक मखूदिया, जिनका एज आई गेस 21 to 24 तक होगा और वो गुजरात में रहते हैं। तो गाइस अब इनके भी दो चैनल है, एक रॉन गेमिंग जिसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस है और वो उसमें फनी मूवमेंट्स वाली वीडियो डालते हैं, और दूसरा चैनल रॉन गेमिंग लाइव जिसमें 7 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस है जिसमें वो लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो गाइस अब दोनों चैनल के रेवेन्यू कितना आता होगा ये तो अब जानने की बात है। पहला चैनल यानी रॉन गेमिंग जिसमें हर मंथ वो 40 to 45 मिलियन तक व्यूज क्रॉस कर लेते हैं, जिनसे वो इजिली $10,500 तक अर्न कर लेते हैं पर मंथ। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट वो हर मंथ 7 लाख तक अर्न कर लेते हैं उस चैनल से। दूसरे चैनल यानी रॉन गेमिंग लाइव की अगर हम बात करें तो पर मंथ उनके 5 मिलियन व्यूज तक क्रॉस हो जाते हैं, जिनसे वो इजिली $1,300 तक अर्न कर लेते हैं। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट लाइक 90,000 पर मंथ वो अर्न कर लेते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं बीस वॉश शुभ के बारे में, जिनका नाम है शुभम सैनी और वो 22 साल के हैं। अगर आप उनके एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपना बीटेक छोड़ दिया और यूट्यूब को फुल टाइम करियर बना लिया, और आई गेस उनका बहुत ही परफेक्ट डिसीजन था। ये अपने चैनल में तरह तरह की गेम्स खेलते हैं और सभी वीडियो में लोग इन्हें देखना और इनकी कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं, और अब इनके चैनल में 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अगर हम उनके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पर मंथ उनके वीडियो 60 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लेते हैं, जिनसे वो इजिली $16,000 तक अर्न कर लेते हैं। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज्यादा रेवेन्यू वो कमा लेते हैं पर मंथ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैरीज लाइफ के बारे में, जिनका नाम अजय नागर है, जो दिल्ली में रहते हैं और उनका एज 19 साल है। आप सभी को पता रहेगा कि इनके दो चैनल है, एक कैरी मिनाटी जिसमें 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और दूसरा कैरीज लाइफ जिसमें 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अगर हम इनके अर्निंग्स के बारे में बात करें तो पहला चैनल यानी कैरी मिनाटी जिसमें हर मंथ वो 20 to 25 मिलियन तक व्यूज क्रॉस कर लेते हैं, यानी पर मंथ वो $5,800 तक अर्न कर लेते हैं, जो कि अगर आप उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 4 लाख से भी ज्यादा वो उस चैनल से अर्न कर लेते हैं। अब दूसरा चैनल यानी कैरीज लाइफ से वो पर मंथ $3,400 तक जनरेट कर लेते हैं, जो कि अगर आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा वो अर्न कर लेते हैं। दोनों चैनल का अगर हम मिला के बात करें तो वो पर मंथ 5 to 6 लाख तक अर्न कर लेते हैं पर मंथ। अगर हम बात करें मॉडल की तो इनका नाम नमन मथुर है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं और उनका एज भी 22 साल है। मॉडल ने ऑलमोस्ट बहुत से टूर्नामेंट खेले हैं, बैटल अड्डा से लेकर PMSC तक, और उन्होंने ओप्पो का एक टूर्नामेंट भी जीता था। अब उनके चैनल में 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अगर हम उनके अर्निंग के बारे में बात करें तो पर मंथ उनके वीडियो 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लेते हैं, जिनसे वो इजिली $7,400 तक कमा लेते हैं। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 5 लाख तक पर मंथ वो अर्न कर लेते हैं। तो भाई लोग अब फाइनली बात करते हैं उस यूट्यूबर के बारे में जो इंडिया में नंबर 1 गेमिंग चैनल है, डायनमो गेमिंग AKA आदि सावन, जो 22 साल के हैं और वो भी मुंबई में रहते हैं। तो भाई लोग ये पहले पबजी मोबाइल एमुलेटर में खेलने का, लेकिन जब से ये PMSC टूर्नामेंट से आए हैं तब से ये मोबाइल में खेलते हैं और मोबाइल से ही लाइव स्ट्रीम करते हैं, और अब इनके चैनल में 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप सभी बेसब्री से जानना चाहोगे कि ये यूट्यूब से अर्न कितना करते होंगे। तो गाइस पर मंथ इनके जो वीडियोस हैं वो 20 to 25 मिलियन तक व्यूज क्रॉस कर लेते हैं, जिनसे ये इजीली $5,900 तक जनरेट कर लेते हैं। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट 4 लाख से भी ज्यादा पैसे छाप लेते हैं पर मंथ। तो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो का दी एंड, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक छोटा सा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, अगर आपको कोई भी टॉपिक शेयर करना है तो आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको मुझसे बात करनी है तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ कमेंट में मेरे को जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी।